यहाँ से 11 बजे का अखिलेश, मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ सर। हाँ, 100 रुपया लीटर पेट्रोल बेचने के बाद भी भाजपा को वोट दूंगा। अब दूंगा, मेरी मर्जी, आप मत दें। लेकिन प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दो, दूसरे की औलाद है छोड़ दे। यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एकदम देशभक्ति के चाशनी में कि जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो गुमंत अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में। ₹550 का बेल्ट 5 साल पहले खरीदा था, जिस होटल में टिके था आज छूट गया वहीं। जाने किसी बैरा का भला होगा, इटालियन लेदर का बेल्ट था, कोई मजाक नहीं। वो अलग बात है कि हम दूसरे से पाए थे, अपने औकाते नहीं है। सर ये सच्ची बात थी ना सर? और सर उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार थी सर, उसमें एक चाचा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए कि अभी तुम राजनीति में बच्चा। इतना सुनकर बच्चवा आकर के खड़ा हो गया, तो चाचा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी एकदम देशभक्ति कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, चाचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चाचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चाचा कभी चाचा। सौगंध खा के कह रहा हूँ, अरे चाचा चाचा सुन के जाइए, जाए चाचा जाए तो नहीं, घर के लड़कन के मूड ठीक नहीं ना। जैसे हमारे बच्चे हमको यहाँ आने के लिए हमसे चोरी से आए, मार खा सकते हैं। हम माँ बाप के ऊपर सर हम बहुत निष्ठा नहीं रखते, खिलाए पिलाए होते तो हम इस तरह थोड़ी। लेकिन जिसके माँ बाप खिलाए पिलाए हो माने ऐसा। अच्छा, हम एहसान इसलिए नहीं मानते कि हम बढ़ोती में भी अपने पिताजी को मारने पीटने लायक नहीं थे, भूखे थे तब भी हमको मारने लायक थे, इसलिए ऐसा नहीं मानते। यहाँ से 4 लाइन और सुन ले आप, ये देश है सर, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खबड़ा प्लास्टिक लगाता है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलता, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों की गोदी में सवारी। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े
ओठों पर भी लाली है, चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरावाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ की जेल में। Ha ha ha!